ढलती उम्र का शरीर पर असर तो होता ही है, पर आजकल खराब खानपान और अनियमित जीवन शैली की वजह से बहुत जल्दी दिखाई देता है। हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है और ऐसे में शरीर में विटामिन की कमी भी हो जाती है। ऐसे में सबसे खास विटामिन होता है विटामिन डी। इसकी कमी से शरीर में कई तरह के बदलाव होने लग जाते हैं और कई रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हृदय रोग, स्केलोरोसिस, गठिया जैसे रोगों को खतरे को कम करने के लिए विटामिन डी के क्या क्या स्रोत हैं जो आपको इन खतरों से बचा सकते हैं और विटामिन डी की कमी दूर कर सकते हैं। अंडे, दही, दूध, टोफू, मशरूम, ऑरेंज जूस, कोलाड, ओकरा, कायले, पालक, सार्डिन मछली, सेल्समैन, पनीर, चीज़, सोयाबीन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विटामिन डी से भरपूर होती है। तो इन्हें आहार में शामिल कर आप विटामिन डी की कमी को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आहार संबंधी किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप अपने आहार में चेंजेस करें। ये वो कुछ चीज़ें हैं जिनमें विटामिन डी का अच्छा स्रोत मिलता है, तो आप इन चीज़ों का सेवन कर विटामिन डी की कमी को अपने शरीर से दूर कर सकते हैं। वहीं एक महत्वपूर्ण स्रोत जो विटामिन डी का है वो होती है धूप। तो आप दिन में 30 से 40 मिनट धूप लेने का, सुबह सुबह की धूप लेने का प्रयास करें ताकि आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकें। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।